रीवा जिला पूरी तरह से अपराध व अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। कानून व्यवस्था को तो जैसे सांप सूंघ गया है, जिसको लेकर लोग दहशत में हैं। हिंदू छत्री वाहिनी संगठन द्वारा एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। शासकीय ठाकुर रमन सिंह महाविद्यालय में गोली चालन की घटना से महाविद्यालय लगातार सुर्खियों में है। वहीं छात्र व इनके परिजन के अलावा समाज के अन्य लोग दहशत में हैं तथा छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंतित भी हैं। वहीं अगर हम बात करें शासन प्रशासन की तो पूरा अमला कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। किसी को वोट बैंक की चिंता तो किसी को मोटे मुनाफे की। सबसे बड़ा सवाल है कि छात्रों तक औजार कहां से और कैसे पहुंच जाता है और पुलिस क्या करती है। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हिंदू छत्री वाहिनी संगठन के तरुणेंद्र सिंह सहित सहयोगियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर टीआरएस कॉलेज में पुलिस चौकी बनाने सहित अन्य सुरक्षा के इंतजाम कराए जाने की मांग की, जिसके कारण आए दिन बड़ी बड़ी वारदातें घटित हो रही हैं और पुलिस हाका अभियान चला रही है, जिसमें सिर्फ आम व ईमानदार लोग ही परेशान हो रहे हैं। असल में जो अपराधी हैं उन पर तो कोई आँच ही नहीं आ रही है। हालांकि अपराधियों को पुलिस भी जानती है, लेकिन उन पर हाथ डालने से उनके हित प्रभावित होते हैं, जिसका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। वहीं आए दिन हो रही घटनाओं के साथ साथ जिले की बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर हमारे रीवा दर्शन संवाददाता ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह से बात की तो उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जल्द से जल्द कानून व्यवस्था सुधारने की बात की। टीआरएस कॉलेज में जिस तरह का गोली हत्याकांड हुआ है दिन दहाड़े, रीवा शहर के सभी माँ बाप हतप्रभ हैं। इसी विषय में हम लोग एडिशनल एसपी साहब से मुलाकात की है और उनसे निवेदन किए हैं कि टीआरएस कॉलेज परिसर की बाउंड्री ऊंची करा के उस पर कांच लगवाया जाए और उसके जो मुख्य द्वार हैं, टीआरएस कॉलेज नहीं सभी कॉलेजों के जो मुख्य द्वार हैं उसमें मेटल डिटेक्टर लगाया जाए और सामने विवेकानंद जो पार्क है वहाँ पे एक गार्ड बैठाया जाए, क्योंकि वहाँ भी बहुत अभद्रता होती है, और काले चौराहे पे एक चौकी का निर्माण कराया जाए। और रीवा शहर में जिस तरह से फोरेक्स और मेडिकल नशों की बिक्री हो रही है उस पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। उनकी मांग ये है कि जो घटना का आरोपी फरार है उसके तत्काल गिरफ्तारी की जाए और कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था और चौकी की मांग कर रहे हैं। चौकी की जो प्रक्रिया है उसको हम कार्रवाई में ले लिया है, जल्दी पूरी कर ली जाएगी। वहाँ बल लगा दिया गया है ताकि कॉलेज में शांति व्यवस्था बनी रहे।